सारे ना कावड़ आते हुए देख रही हूँ। मतलब हमारे एरिया में ही 3 ट्रक आए हुए हैं कावड़ के। तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये जो 8 को शिवरात्रि आ रही है ना, उसकी वजह से ना कावड़ का मुझे लग रहा झुंड आने वाला हरिद्वार में। और हमारा एरिया तो पूरा संत एरिया है, शांति गुंज सब कुछ, और सारे बड़े बड़े आश्रम हमारे एरियाज में ही हैं। तो मुझे लग रहा है काफ़ी क्राउड आने वाला हरिद्वार में शिवरात्रि के लिए। तभी जब मैं बस में थी ना, तो मुझे ना हम लोगों को बहुत सारे कांवड़ भी जाते हुए दिख रहे थे बस से। तो हम लोग काफ़ी ना शौक थे कि यार इस टाइम पे कहाँ से कांवड़ दिख रहे हैं। तो मैंने ऐसे एज्यूम किया था जस्ट बिकॉज मे बी कि 8 मार्च को शिवरात्रि है। मेरे ही घर के आगे गली में ना 3 बड़े बड़े ट्रक खड़े हुए हैं कांवड़ वालों के, और सारा आश्रम एरिया हमारा घर के घर पे तो सारा A to Z आश्रम एरिया। देखो गाइस, वैसे तो है हरिद्वार संतों का एरिया, बट आई डोंट बिलीव एनी वन ऑफ दी संत ओवर हियर, एनी वन। और मैं किसी से ना बात भी नहीं करती हूँ, किसी संत वगैरह से। हम लोग बात करते हैं जो जनरल पब्लिक होती है ना, जनता आदमी, हम सिर्फ उनसे इंटरेक्ट करते हैं। बहुत सारे लड़के जो लोग हैं यहाँ पे संतगिरी लर्निंग्स के लिए आते हैं, यूथ बहुत है यहाँ पे फॉर ऑल दिस। मेरे को तो एक यंग लड़के ने प्रपोजल भी मारा था यहीं पर ही घाट का ही, यंग लड़का प्रीस्ट। ऐसे हैं यहाँ के पंडित पाखंड साले। होगा यंग, काफ़ी यंग था, और अभी भी, अब तो मैंने उसको ब्लॉक कर रखा अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे। तारा चूतिया बहुत उड़ेगा, आए बड़े पंडित। कोई पंडित ना हो गए। मेरी बुआ ना आज मुझे अकेला छोड़ के चली गई, क्योंकि मैं फिर अपने घर में काम वाम में लग गई, अपने फ्लैट्स में सफाई वगैरह करना था, कुछ असेंबलिंग करनी थी, है ना। तो अब मुझे पता वो आज मौसम सही है तो बुआ 4 की जगह 5 बजे जाएगी घाटा में, पता बुआ कहाँ बैठती है। तो अब क्या ही तंग करना, अंकल भी चलेगा पीछे पीछे साइकिल उठा के, अंकल भी मिल जाएंगे वहाँ पे। हम पैदल पैदल घूमे घूमे आ गए। एरिया बहुत सही है वॉकिंग के लिए, मन खुश हो जाता, बस लोग पाखंडी हैं यहाँ के और कुछ नहीं। जनरल पब्लिक इज़ गुड हो गई है, बट दी पंडित्स ओवर हियर आई डोंट ट्रस्ट देम अ लॉट, सो आई एम वेरिंग वेरी कैजुअल ओवर हियर टुडे। तो भाई भगवान की आज बहुत बहुत कृपा है कि आज मौसम बारिश नहीं हो रही है। मुझे ऋषिकेश भी जाना है यार, परमात्मा के यत्न आश्रम। पहले मैं यहाँ का अपना सॉर्ट आउट कर दूँ, एक दो दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा, थोड़ा सा ना मेंटल पीस आ जाएगा, जो मेरा मेन काम है यहाँ का। फिर घूमने में मज़ा आता है, व्हेन यू हैव सॉर्टेड आउट वन पार्ट ऑफ योर लाइफ इश्यूज, तब घूमो आराम से। गंगा माँ सब काम कर देगी, बस गंगा माँ से बात करनी पड़ती है अपने प्रॉब्लम्स की, सब सॉर्ट आउट हो जाता है लाइफ में। बुआ कहाँ है, बुआ बैठी हुई है। आज तो संत लोग भी नज़र आ रहे हैं सारे। बंदर देखो महाराज कैसे पहुंचा हुआ है। हाँ बंदर पहुंचा हुआ वहाँ पे, कहाँ गया। बुआ बैठी हुई है यहाँ पे, छम्मक छोलो बुआ। आज तो संत लोग भी काफ़ी बैठे हुए हैं घाट पे, ये शायद आए हैं आज यहाँ पे। लगती ना सही, इसलिए मैं चप्पल पहन के आती हूँ। शूज उतारने में ना बड़ी वो होती है, स्लीपर्स पहन के आओ बेस्ट रहता है। बुआ मेरा दिया भी बना दियो, राम राम। बुआ मेरा दिया भी बना दियो। कैसे बनाऊंगी, तो तेरे को पता नहीं मेरा भी दिया बनाना होता। मैंने क्या बताया, तुम का कहीं कांग जा रही है। वैसे तो एक ही बंदर है ये,
और तैर के आ गया ये बंदर पूरा वहाँ से। इससे मगरमच्छ की जरूरत नहीं पड़ी इस बंदर को, ये पूरा वहाँ से पूरा तैर के आ गया, इसने कहावत गलत कर दी, ये आ गया। और ये बंदर ना वहाँ पे था उस तरफ, अब पता नहीं किससे क्या छीनेगा ये, नहा के आ गया गंगा में। सही है। आज ना एक सीढ़ी पानी ऊपर आ गया, ये देखो यहाँ पे, कल तक इस सीढ़ी पे पानी नहीं था, आज इस सीढ़ी पे पानी आ गया, यानी ऊपर जो बारिश हुई ना रात को तो वो फ्लो ऑफ वाटर ज़्यादा है, तो सीढ़ी पे बहुत पानी आया हुआ है। तो बाय चांस ना मेरे बैग में ना पहले से ना सामान पड़ा हुआ दिया था, कुज्जे और इस डिब्बी के अंदर देसी घी की बत्ती और माचिस, तो मैंने शिव जी के यहाँ ये दिया जला दिया, ये वाला दिया वहाँ से लिया ही मंदिर से, मिट्टी वाला दिया जला दिया शिव जी के यहाँ। अब दूसरा दिया जलाएंगे गंगा माँ का, बुआ आरती करेगी, बुआ के साथ आरती करेंगे, फिर गंगा जल में दिया अर्पण करेंगे संध्या का। ये मेरा डेली रहता था रूटीन 3 महीने के लिए। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, दिखाती हूँ, सब क्लियर है, आज काफ़ी लोग भी हैं घाट पे, मैं दिखा देती हूँ। मन भर के डर से करूँगी तेरा मन भर के, मैं लोक से माजिव लोक आई, लोक से माँ शिव लोक आई, शिव बोलो शिव लोक आई, जटाओं में ले ले मैया बल करके, जटाओं में ले ले मैया बल करके, से करूँगी तेरी ऊपर हो रही है। मेरी बुआ भजन गा रही है, हो गया साफ आसमान, यहाँ पे ऊपर बैठे हैं, बहुत ऊपर में बैठे हैं, एक लाल कपड़े में पुजारी ये बैठे हुए, मैया जैन भी नाम तेरा, सबके कष्ट निवारो, सबके कष्ट निवारो, लाज रखो माता, ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी जो जननित गाता, मैया देव सहित गाता, सेवक वोही सहज में दास, वोही सहज में हर मोती को पाता, ओम जय
जो नर तुमको जाता, जो नर मैया जी को जाता, मन मान जी के फल पाता। मुझे नाथ नारायण वासुदेव। गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, चंडी मैया की जय हो, मनसा मैया की जय हो, माया देवी की जय हो, तारा देवी की जय हो, भुवनेश्वरी मैया की जय हो, नौ दुर्गाओं की जय हो, दुर्गाए नरहरि काली माता की जय हो, पांच पति भर्ताओं की जय हो, सूर्य चंद्रमा देवता की जय हो, यम जम देवता की जय हो, अगन पवन देवता की जय हो, वरुण वसु देवता की जय हो, रुद्र देवता की जय हो, पितर देवता की जय हो, भूमिया खेड़े की जय हो, ग्राम खेड़े की जय हो, बाबा देवता की जय, मात पिता की जय हो, सास ससुर की जय हो, सतगुरु महाराज की जय हो, भुल्ले चित्ते की जय हो, नीलकंठ महादेव की जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे आज तो सामने की ना चट्टानें कितनी अच्छे से दिख रही है नीलकंठ वाली। भाई जैसे लोग करता ना वैसे कर लेना चाहिए। कैसा वीडियो बनाया ना मैंने, मैं क्या जैसे लोग करे वैसे करता है, जाओ आंख मूंद के रेल आयो। अंकल जी साइकिल पे आ गए, हमारे अंकल जी साइकिल पे आ गए, इनका मन नहीं लगता बुआ के बिना, बुआ के बिना मन नहीं लगता ना अंकल आपका। ये देखो कितने साफ ना नजर आ रहे हैं ये, जो देखो ये एकदम नीट एंड क्लीन। आगे तू भी है और क्या, छाता क्यों नहीं लेकर आई इसका? कहाँ है छाता, कहाँ है वो? तो दुकान पे है, लेके क्यों नहीं आई? मैं तो भूल ही गई, मेरे को तो याद नहीं रहा। छाता वाता अब जाएंगे तब छाता वाता लेते हुए जाएंगे। अब अंकल जी की भी मूवी बन रही है आज। पूरा मफलर वफलर ऐसे बांध बूंद के आए हैं, गमछा परना। मिला दिया जी की आचमन। अब हम चलेंगे अपने घर, मेरा सारा काम धाम पड़ा हुआ यूं ही। ये सब पर किस की डाल खाई है? बाबा भी चाहिए तो गिलास दीजिए बाबा साहब। ये हमारी ना छोटी सी दुकान है, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मिल जाता है पैटीज, मैक्रोनी, चाउमीन और बर्गर, ये तीन चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। सही है यार, फॉर अ चेंज यू कैन हैव ऑल दिस थिंग्स फॉर अ चेंज। आई एम हैविंग दिस चाउमीन, डाइट कॉन्शियस गर्ल। बहुत तेज बदल है यार, काला काला। आज रात फिर से इसने बहुत तंग करना बादल ने, ये तो चिल्ला गाँव की तरफ से आ रहे।
भैया अभी चाय लगे पड़े, अपना स्टॉल सेटल करना है। हो गया सेट, जुगाड़ हो गया। वो क्यों नहीं लगवा देते स्टील का, वो जो होता है परमानेंट।